गुड मॉर्निंग गाइस, मैं आ चुका हूँ अपने स्टूडियो पर। बट कल डॉक्टर ने कहा था कि 2-3 दिन तक मतलब घर से बाहर मत निकलना। आपको तो पता है मेरे में चर्बी है। बट शॉप पे भी कोई था नहीं तो मैं बोला शॉप पे आके बैठ जाता हूँ। घर पे बैठना है मतलब शॉप पे बैठना है। तो सुबह सुबह मतलब कल मैं आपको बोल रहा था ना, मतलब पाव सुन था तो मतलब कुछ हो रहा नहीं था। तो सुबह 4 बजे जैसे ही सब इंजेक्शन का असर खत्म हुआ तो 4 बजे जो दुखने चालू हुआ है ना भाई साहब, सुबह से 4 बजे मैं सो नहीं पाया हूँ यार। मतलब इतना दर्द कर रहा ना, और पूरा ब्लड है ना यहाँ से लेके मतलब 1 घंटा, और वो डॉक्टर ने ज़्यादा ही मेरा स्किन काट दिया ना, तो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक है ना अभी ब्लड 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 निकल ही रहा है अभी तक। तो पता नहीं अभी थोड़ा और मतलब ज्यादा ब्लड निकलेगा तो मुझे डॉक्टर को कॉल करना पड़ेगा। डॉक्टर को यहाँ ही बुला लूंगा, मेरे को जाने की हिम्मत नहीं है वापस। डॉक्टर ने बोला भी था कि अगर ज्यादा ब्लड निकले तो मुझे कॉल कर देना, तो मैं आ जाऊंगी आपके शॉप पर। तो मुझे लग रहा है कि उनको कॉल करना पड़ेगा क्योंकि ब्लड निकलते ही जा रहा है। मुझे डर लग रहा है थोड़ा बहुत। डर की बात क्या, मतलब अभी दर्द हो रहा है बस। ऐसे ना पूरा मसल है ना अंदर से ऐसा खींच रहा है पूरा। क्या बोलूं यार, अभी मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी मेरा 12 तारीख को एक शूट है, बट वो कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा मेरे को भी नहीं पता। आज 8 तारीख है, मतलब 9, 10, 11 तीन दिन ही बचा है। 3 दिन के बाद मेरा शूट है। भगवान करे मेरा वो शूट अच्छे से कर गाऊँ। मेरे यार कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। बस मैं यहाँ पर बैठा हूँ ऊपर। अभी जस्ट मेरे डॉक्टर से बात हुई तो डॉक्टर ने कहा कि मुझे एक फ़ोटो भेजो। तो मगर मैंने ना उनको वीडियो बना के भेज दिया ऐसा पाव का कि मैं साइड साइड से ब्लड निकल रहा है। तो वो बोले कि ठीक है, नो प्रॉब्लम, वो ब्लड निकलेगा। क्योंकि मतलब कल भी है ना उन्होंने कुछ ब्लड ऐसा मतलब टाचनी मारी इधर, मतलब वो दबा रही है। बाद में एक टाइम पे ना मतलब ब्लड स्टॉप हो गया था। तो उसने बाद में बोला कि CTP ऐसा PTP ऐसा कुछ तो बोला उसने, मतलब मेरे को समझ में नहीं आया। तो उसने वो टाइम लिखा, मतलब वो कितना था, 1 मिनट 7 सेकंड का मेरा उधर कुछ हुआ था। बाद में वो फिर से दबा रही है, मैंने फिर से बोल दिए तो कुछ तो बोली ऐसा। तो मैंने वो टाइम नोट किए तो वो टाइम से मतलब मेरा ब्लड वो टाइम पे रुक गया। वो लोग का भाषा है मैंने मेरे को समझा नहीं। तो वो भी बोली कि अभी भी मतलब मैं बोला कि आज वो पट्टी फिर से चेंज कर। अरे रुकना, मतलब यहाँ पे मेट्रो का काम चालू है तो लोगों ना बार बार हॉर्न देने का ही रहता। मालूम है मेट्रो का काम चालू है तो भी आराम से जाओ ना। मैं क्या बोल रहा था, तो मैंने उनको बोला कि आज मतलब पट्टी वो फिर से खोल के चेंज कर दो। बोलते नहीं, वो फिर से पट्टी खोलेंगे तो ब्लीडिंग होगी। तो वो बोले कि मंडे को आपको इसके लिए बुलाया है क्योंकि वो जब मतलब मंडे तक वो ब्लीडिंग बंद हो जाएगी ना तो वो लोग वो पट्टी खोल के दूसरा पट्टी बांध देंगे। इसके लिए मंडे को बुलाया था, मतलब मंडे कल ही है। तो बोले कि कल आ जाओ, कल वो पट्टी चेंज कर लेंगे। बट वैसा अच्छा भी नहीं दिख रहा पूरा ब्लड, मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा वो। ये तो अभी दर्द हो रहा ही है मतलब इतना तो मैं वो खींच रहा, मतलब अंदर से बहुत खींच रहा है वो। बट क्या बोलो, अभी बार बार वो आपको बोल के परेशान भी नहीं कर सकता। अभी मेरे को बैग की जरूरत है। हाँ, बैग पीछे ही है। तो मैं अभी नीचे उतरता हूँ धीरे धीरे और लैपटॉप पे मैं डालता हूँ लैपटॉप पे मेरा आज का एक वीडियो अपलोड करता हूँ। क्योंकि मैंने बोला ना हर डेली एक वीडियो तो डालना चाहिए, तो उसका ही उदयपुर का सेकेंड पार्ट डाल रहा हूँ आज मैं। भाई साहब मेरा पाँव बहुत खून निकल रहा है अभी आगे भी, और ये साइड में फैल गया खून। और मेरे को टॉयलेट करने आया था तो पाँव नीचे नहीं रख सकता। चल कुछ नहीं, मैं लगड़ लगड़ चल रहा हूँ ये पाँव पकड़ के, क्योंकि यहाँ पे आके फ्लो बंद हो जाता है ब्लड का। तो ब्लड का फ्लो उधर बंद हो जाता है, ब्लड अगर मैं नीचे जाऊँगा नीचे छोड़ूंगा पाँव तो ब्लड का फ्लो नीचे चले जाएगा, तो बाद में वो बहुत दुख रहा है। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ लंगड़ लंगड़ के जाता हूँ। यहाँ पर अपनी रेती भी आ चुकी है, अगर तो रेती खाली हो रही है सब काम इम्पोर्टेंट है। ये भी और अभी ये लोटा है। मैंने अभी मतलब पेन हो रहा था इसके लिए ज़्यादा ले लिया ये एक दवाई, और एडिटिंग भी अभी रख के अपलोड करूँगा ये जब चले जाएंगे। तो वीडियो भी डाल दिया हूँ अपलोड पर, अभी इसमें पता रहा 5 मिनट 72% अपलोड है। तो क्या हर टाइम वीडियो देखता रहता रहे है? लोग और कुछ काम नहीं है, काम कैसा रहेगा, इधर काम रहेगा तो लोग काम रहेगा। मैंने जो वो अपलोड पे रखा था और पब्लिश भी कर दिया था और एक दो जन ने देख भी लिया वो वीडियो, बाद में याद आया कि बीच में एक पार्ट मेरे को डालना था जो कि मैंने 3 साल पहले ब्लॉक किया था बाद में, और 3 साल बाद ब्लॉक किया जो वो एक पार्ट भूल गया था। अभी मैंने रेंडर पे रखा है, रेंडर मतलब 1 मिनट पे हो जाएगा। मैंने फिर से मैं अपलोड पे रख के पब्लिश कर दूंगा। कभी भी हो जाती है यार ऐसे छोटी मोटी गलती। और मेरी बहन आई,
अरे इसमें तो रोटी है, इधर एक और डब्बा था उसमें, उसने उसको ही बोला, मैंने उसको मैंने बोला कि सेव टमाटर की सब्ज़ी लेके आना, मगर डॉक्टर ने बोला खट्टा मत खाना, तो मैंने बोला टमाटर निकाल देना सेव डाल के लेके आना। तो यहाँ पर कज़िन भाई बैठा था, बोलता है कि भाई सेव भी तो बेसन से बनता है, वो पक जाएगा पूरा कल, बोलता है वो छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं हुआ है, मतलब छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं हुआ है, वो ज़्यादा ही बड़ा खड्डा कर दिया उसने, तो तू ख्याल रख थोड़ा। और मेरे को लग रहा है कि छोटा ही ऑपरेशन किया, मतलब अभी भी ब्लड निकल रही है, पूरा आगे तक आ गया, मतलब पाँव से ऐसे आगे तक आ गया, मतलब हो जाएगा ठीक, बट अभी उसको भेजाओ वर्कर को दूसरे होटल में से कुछ खाना लेके आ, मतलब पराठा तो है, आलू की सब्जी नहीं तो भुर्जी, दोनों में से एक। तो भाई साहब मेरा सब काम हो चुका है और मैंने वीडियो भी अपलोड पे कर दिया हूँ, और अभी बस यहाँ पर शॉप पर बैठा हूँ, नज़ारे देख रहा हूँ। मैंने सोचा कि अभी एडिटिंग करता हूँ, बट एडिटिंग नहीं हो पा रही है क्योंकि वो पाँव बहुत अभी, मतलब ठंड बढ़ रही है ना धीरे धीरे, तो इसके लिए वो पाँव का दर्द भी थोड़ा मतलब बढ़ते जा रहा है। मैंने दवाई तो ली थी, बट दवाई ख़त्म हो चुकी है मेरी, तो मुझे लग रहा है कि फिर से वो डॉक्टर के पास जाके दवाई लेनी पड़ेगी। अभी टाइम हो रहा है 7 और पनीर भाई भी आज आए नहीं है और मेरा कज़िन भाई भी आया नहीं है, तो मेरे को बैठे बैठे बहुत कंटा ला रहा है। और पाँव का दर्द मैं क्या बताऊँ आपको, पाँव का दर्द मतलब वो खींच रहा है अंदर से, मतलब ठंडी ठंडी जैसा जैसे जैसे ठंडी बढ़ रही है वैसा पाँव मतलब बहुत खींच रहा है। मतलब अभी खाना भी बन चुका, मैंने बहन को बोला पेन किलर लेके आया, क्योंकि डॉक्टर के पास गया था बट वो बंद था, पता नहीं आज संडे है और संडे को तो ज़्यादा मतलब पेशेंट लोग रहते, तो पता नहीं आज तो क्यों बंद था। तो मैंने इधर से बोल दिया मेडिकल से कि पेन किलर लेके आ जा, क्योंकि बहुत पेन कर रहा है मेरे को, और अभी पता नहीं खाना खा के मैं डायरेक्ट सो जाऊँगा। तो बस अभी के लिए इतना ही, अगर ये वीडियो किसी भी कारण अच्छा लगा हो तो बस मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग पे, या फिर इसके बाद कंटिन्यू होगा जो भी, जैसे मतलब एडिट करने बैठूँगा जैसे क्या होगा वो वैसा देखा जाएगा।